स्वागत है भाई लोग आपका आज के मेरे नए वीडियो में। और आज हम यहाँ पे आ चुके हैं हाईवे के ऊपर। और यहाँ पे ये दो चीज देख के आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे आज क्या होने वाला है। और पिछले वीडियो में कमेंट आई थी भाई लोग की हाईवे के ऊपर एंड सिटी के अंदर, राइट। यहाँ पे आप टेस्ट करके दिखाओ कि अपनी जो RC 390 है वो कितनी माइलेज देती है, राइट। तो भाई लोग हम यहाँ पे आ चुके हैं हाईवे पे और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं 2022 RC 390 का माइलेज टेस्ट, और वो भी हाईवे के ऊपर। नेक्स्ट भाई लोग यहाँ पे करते हैं फटाफट से, इसमें जो भी फ्यूल यहाँ पे बचा है वो पहले कर देते हैं खत्म एंड उसके बाद डालते हैं यहाँ पे 1 लीटर, राइट। भाई लोग तो यहाँ पे करीबन 50 किलोमीटर के आजू बाजू मैंने यहाँ पे राइड की, तब ये झटके खाने लगी है। उससे पहले ही यहाँ पे वो इंडिकेशन दिखा रहा था कि फ्यूल का खाली होने वाला है। बट भाई लोग मैं यहाँ पे कब से ट्राई कर रहा हूँ और कब से यहाँ पे राइडिंग ही कर रहा हूँ, करीबन 50 किलोमीटर होने वाले हैं, 50 किलोमीटर, बट यहाँ पे इसका जो फ्यूल है अभी तक खाली नहीं हुआ है। बट अभी यहाँ पे एक दो बार उसने झटके मारे हैं, मतलब हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा ही बाकी हो गया यहाँ पे। लेट्स यहाँ पे टोटल इसको फुल खाली करते हैं। भाई लोग तो यहाँ पे बाइक रुक चुकी है 2-3 बार झटके खा के। यहाँ पे देख लो फ्यूल है टोटल खाली, और यहाँ पे भी देख लो, और यहाँ पे एक बार और ट्राई कर लेते हैं। देख रहे हो यहाँ पे एक बार और, देख रहे हो बाइक यहाँ पे ही बंद हो रही है, मतलब टोटल खाली हो चुका है। अब यहाँ पे डालते हैं हम 1 लीटर, थोड़ा तो यहाँ पे बाहर गिरने वाला है भाई लोग, और यहाँ पे ट्राई करते हैं कि अच्छे से फिल हो जाए। 1 2 3, ओके, यहाँ पे थोड़ा ही बाहर गिरा, एग्जैक्टली किलोमीटर है 3770, राइट। अब लेट से यहाँ से चेक करते हैं ये कितनी चलती है 1 लीटर में। यहाँ पे शाम होने को है, अभी करीबन टाइम हो रहा है 5:30 बजे, आधा घंटा जैसा अभी भी टाइम है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो में कुछ अच्छे से नहीं दिखेगा, राइट भाई लोग। तो यहाँ पे फटाफट से इसको करते हैं स्टार्ट, एक बार ट्राई कर लेते हैं। वाह, RC 390 है, मतलब भाई लोग एक नंबर है, एक ही बारी में यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे फिर से देख लो किलोमीटर 3770, ओके। भाई लोग तो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं हाईवे के ऊपर टेस्ट भाई लोग, राइट। तो अभी यहाँ पे हम चलाएंगे, इसकी एवरेज रखेंगे करीबन 90 प्लस की, राइट, क्योंकि हाईवे पे इतनी तो होती है। हाईवे के ऊपर तो 80-90 के ऊपर गाड़ी चलनी ही चाहिए, और उसमें भी ये RC 390 है भाई लोग, हैवी सीसी की बाइक है, तो इसको करीबन आप 100-100 रखोगे भाई लोग तो भी नो टेंशन। यहाँ पे ट्राई करेंगे कि 90 के ऊपर ही रहे, एंड उसके बाद जो भी माइलेज आती है भाई लोग वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार अगेन टर्न ले लेता हूं, उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। अभी यहां पे हो चुका है कितने 4 किलोमीटर हो चुके हैं, मैंने टर्न इसलिए लिया भाई लोग के मैं सीधा जाता और डायरेक्ट मैं सिटी में पहुंच जाता, और सिटी में भी मुझे करीबन राइड करनी पड़ती 5-6 किलोमीटर की, तो उसकी वजह से मैंने यहां पे टर्न ले लिया कि थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा चल जाए।
हाईवे पे, मतलब हाईवे पे ही करनी है हमें इसकी जो माइलेज टेस्ट है वो। और इस वाले हाईवे पे भाई लोग यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा पुल लग रहा है ना, मुझे वो यही लग रहा है। और ये जो पुल बना है ना भाई लोग, उसके ऊपर यहाँ पे रोड देखो तो डामर का बना है, आगे देखो तो आरसीसी का है सीमेंट वाला, बट यहाँ पे है ये डामर वाला। ओके यहाँ से ले लेंगे टर्न, कोई नहीं हाईवे पे। ओहो गलत ले लिया, गलत तरीके से ले लिया भाई लोग, ऐसा नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि पहले प्रॉपर साइड लाइट दो आप, यहाँ पे इंडिकेटर स्टार्ट करो राइट का, अगर राइट साइड जाना है फिर आप स्टार्ट करो। गाइस तो यहाँ पे हमारी आरसीसी 90 चल चुकी है करीबन 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर हमारी आरसीसी 90 यहाँ पे चल चुकी है टोटल 24 किलोमीटर। और यहाँ पे जैसे मैं इसको 100 टच करवाता हूँ ना भाई लोग, तो यहाँ पे झटके दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई लोग अब थोड़ी देर में करीबन 3-4 किलोमीटर के आजू बाजू यहाँ पे इसका जो पेट्रोल है ना वो खाली होने वाला है ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं इसकी जो पेट्रोल की टंकी में जितना भी फ्यूल था वो खाली कर रहा था ना भाई लोग, तो वो वाले टाइम पे ऐसा ही हुआ था। ओहो हो हो, अभी यहाँ से झटके दिए इसने एक दो बार, नहीं चलेगी 25 भी नहीं चलेगी, 24 चलने के बाद यहाँ पे क्या कर रही है, झटके दे रही है। हो चुके हैं यहाँ पे 25 किलोमीटर कम्प्लीटेड भाई लोग, 3795 खाली खाली। यहाँ पे चली है 96, 26 की 26। यहाँ पे देख लो भाई लोग 3796। ओके एंड यहाँ पे हम एक और बार ट्राई करते हैं, वन मोर टाइम। थर्ड टाइम करते हैं, लास्ट ट्राई। नहीं भाई लोग खाली 3796 किलोमीटर, और पिछली टाइम थी 3770 राइट। तो यहाँ पे ये चल चुकी है करीबन, हमारी आरसी 390 हाईवे के ऊपर यहाँ पे दे रही है। इस बार इसने दिया है 26 किलोमीटर, तो इसका रीज़न क्या है, 26 ही दिया भाई लोग। तो हमने यहाँ पे जब भी पेट्रोल फिल कर रहे थे ना भाई लोग, तो यहाँ पे आजू बाजू में थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा वो गिर गया था राइट भाई लोग। और जब मैं पेट्रोल पंप पे वहाँ पे पेट्रोल फिल करवा रहा था ना भाई लोग, तो वो वाले टाइम पे क्या हुआ था कि वो टोटली 1 लीटर नहीं आया था, करीबन वो 0.97 आया था राइट भाई लोग। तो 3 पॉइंट्स और भी बाकी रह गए थे उसमें, तो यहाँ पे आप गिन लो तो करीबन ये मोटा मोटा 28 किलोमीटर चलती है भाई लोग राइट। यहाँ पे रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहता है कि 26 से लेके 28 किलोमीटर की है पर लीटर माइलेज देती है भाई लोग। और कंपेयर करोगे भाई लोग आरसी 390 मतलब भाई लोग इसमें जो इंजन सीसी है ना भाई लोग, वो है करीबन 373 राइट भाई लोग। तो इतनी हाई सीसी की बाइक है और उसके ऊपर भी भाई लोग ये इतना एवरेज देती है ना भाई लोग, तो ये मतलब अमेजिंग है भाई लोग। आई होप भाई लोग कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम मिलते हैं अच्छे से प्यारा सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।